अफगानिस्तान एक बार फिर से बम धमाके से दहल गया है। गजनी प्रांत के गेलन जिले में शुक्रवार की हुए आतंकी हमले में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता तारिक एरियान ने इस मामले की जानकारी दी है। तारिक एरियान ने बताया है कि शुक्रवार की दोपहर करीब 2 बजे विस्फोटक से भरी एक कार गजनी प्रांत के गेलन जिले के एक घर में घुस गई। यहां लोग कुरान पढ़ रहे थे। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि दुर्भाग्य से हमारे 15 नागरिक शहीद हो गए हैं और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। जल्द ही इसे लेकर विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी। इससे पहले सुबह 9 बजे एक घर में ही विस्फोटक से भरा वाहन घुस गया था। इस घटना में भी 4 लोगों की मौत हुई जबकि 5 लोग घायल हुए थे। अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि तालिबान इस तरह के हमले देश में करता रहा है। शांति समझौते पर चल रही वार्ता के बीच अफगानिस्तान में इस तरह के हमले काफी तेज हो गए हैं। आतंकी टारगेट किलिंग का तरीका अपनाते हुए शख्सियतों को निशाना बना रहे हैं। पिछले महीने 24 नवंबर को अफगानिस्तान के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले बामियान में लगातार 2 भीषण विस्फोट हुए। इस हमले में 17 लोगों की जान गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। ये बम धमाके यहाँ के स्थानीय बाजार में हुए थे। अफगानिस्तान में टारगेट किलिंग भी एक नया चलन शुरू हो गया है। बीते कुछ दिनों में टीवी पत्रकार, जज, पुलिसकर्मी और डिप्टी गवर्नर तक की हत्या कर दी गई है। यहां 10 से ज्यादा पत्रकारों की हत्या की जा चुकी है। इसके अलावा सुरक्षा बलों पर भी हमले काफी बढ़ गए हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।